भारत की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को। भारत बायोटेक के एमडी बोले, पशुओं की लंबी बीमारी की वैक्सीन अगले महीने। भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स लॉन्च करेगी, जो भारत में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। वे भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बोल रहे थे। फेस्टिवल में शामिल हुए कृष्णा एला ने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए कहा कि मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका लंपी प्रोवेकेंट भी अगले महीने लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2022 में बताया था, वह अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन सरकार को 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों को 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। इनकोवैक्स वैक्सीन को कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा रहा है। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक्स रखा गया है। पहले इसका नाम BBV154 था। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। शरीर में जाते ही यह वैक्सीन कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करती है। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है, क्योंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और ना ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। यह एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।